नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 5 चल रहा है क्लास 10th की एनसीईआरटी हिस्ट्री किताब का। जहाँ पे पहले हमने वीडियो छोड़ा था वहीं से चालू करते हैं। तो प्रिंट और डिसेंट के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे मार्टिन ल्यूथर के बारे में बात की थी, जिसने जो कैथोलिक रोमन चर्च की जो आप कह सकते हैं टीचिंग्स थी, उनको कहीं ना कहीं चैलेंज किया था और एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कैथोलिक रोमन चर्च से बाहर निकला था। कैथोलिक रोमन चर्च की बेसिक टीचिंग्स के अगेंस्ट बहुत सारे व्यू पॉइंट्स मार्टिन ल्यूथर की वजह से बाहर निकल गया और उसी के रिस्पेक्ट हम लोग आगे बात करेंगे। आप देखोगे जो पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर था उसके बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस अब बाहर निकल के आ रहे थे। जो थोड़े बहुत एजुकेटेड लोग थे वो अपना दिमाग के हिसाब से चीज़ों को पढ़ के अपने अपने हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे थे। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन था इटली में जिसका नाम था मेनोचियो। इसके पास भी इसकी लोकेलिटी में जो भी किताबें अवेलेबल थी इसने उसको पढ़ना शुरू किया और इसने बाइबल भी पढ़ी और बाइबल के मैसेज को इसने इंटरप्रेट किया। जब इसने बाइबल के मैसेज को इंटरप्रेट किया तो एक अलग ही प्रकार के गॉड और एक अलग ही प्रकार की आप कह सकते हो रिलीजियस फीलिंग इसने बोली। और वो जो इसने रिलीजियस फीलिंग बोली वो रोमन कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को बहुत सीवियरली टारगेट कर रही थी, चैलेंज कर रही थी। क्या आपको लगता है कि रोमन कैथोलिक चर्च को ये बात पसंद आएगी? एकदम से एक पर्टिकुलर पर्सन अपने इंटेलिजेंस पे खड़ा होकर इतने सालों से जो इतना ताकतवर रोमन कैथोलिक चर्च था उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। यहाँ पे रोमन चर्च ने इंक्विजिशन शुरू किया, किसका? मेनोचियो का, इसके हेरिटिकल आइडियाज को रिप्रेस करने के लिए। इंक्विजिशन क्या होता है? इंक्विजिशन होता है कि भाई एक प्रकार का रोमन कैथोलिक कोर्ट जिसका काम था आइडेंटिफाई करना और सजा देना हेरिटिक्स को। हेरिटिक्स क्या होते हैं? तो हेरिटिक्स मतलब वो बिलीफ या उन बिलीफ को फॉलो करने वाले लोग जो चर्च द्वारा बताई गई टीचिंग्स को नहीं मानते हैं और इनफैक्ट कहीं ना कहीं ऐसी टीचिंग्स को मानते हैं जो कि चर्च की अथॉरिटी को आप कह सकते हो रोकता है, चर्च की अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है। चर्च के पास हमेशा से ये अथॉरिटी मानी गई उस ज़माने में, आज के ज़माने में तो बहुत मॉडर्निटी आ गई, उन ज़मानों में ये 14वीं 15वीं शताब्दी की बात चल रही है, जो चर्च की अथॉरिटी होती थी उसको सही मान लिया जाता था और इम्पॉर्टेंट सोशल इशूज़ पर भी चर्च अपने व्यू पॉइंट देता था तो उन व्यू पॉइंट को सही माना जाता था। अगर आप चर्च के व्यू पॉइंट से डाइग्रेस कर रहे हो मतलब आपके बिलीफ्स हेरेटिकल हैं। यहाँ पे मेनोचियो के बिलीफ बहुत हेरेटिकल हैं इसलिए इसका इंक्विजिशन हुआ। हेरेटिक्स के लिए इसको रिस्पॉन्सिबल माना गया और बाद में इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, जान से मार दिया गया। समझ गए? बेसिकली जो रोमन कैथोलिक चर्च था, सबसे पहले जब इसकी अथॉरिटी के खिलाफ यहाँ पे बहुत सारे आवाज़ें उठनी शुरू की तो उसने पॉपुलर रीडिंग्स और प्रिंट करी गई किताबों को दबाने की कोशिश की। फेथ के ऊपर रिलीजन के अब सवाल जब उठने शुरू हुए तो इसने कहीं ना कहीं इन सवालों को दबाने की कोशिश की। तो बहुत सारे अलग अलग पब्लिशर्स पे, बुक सेलर्स पे यहाँ पे सीवियर कंट्रोल लगाने की बात की गई और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो चर्च ने एक इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स को पब्लिश करना शुरू किया। कब? 1558 में। इसमें उन बुक्स के नाम लिखे रहते थे जो बुक्स कहीं ना कहीं प्रोहिबिटेड थी। यहाँ पे दो और शब्दों का मतलब दिए गए, सैटिएटी, सेडिशियस, ये दोनों अभी आगे आएंगे। सैटिएटी का मतलब होता है कि आपके सेटिस्फैक्शन लेवल से भी आप ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, और सेडिशियस का मतलब होता है कि एक ऐसी बात, एक ऐसी एक्शन, एक ऐसा स्पीच, एक ऐसा कोई भी एक्शन जो कि कहीं ना कहीं किसी दूसरे की अथॉरिटी को आप कह सकते हो वायलेट कर सकते हो, या कह सकते हो सरकार के अगेंस्ट बेसिकली सेडिशन का इस्तेमाल किया जाता है। कि अगर आपने कॉलोनियल सरकार के अगेंस्ट कुछ कर दिया या देश की सरकार के अगेंस्ट कुछ कर दिया तो सरकार उसको एंटी नेशनल बोल के सेडिशियस बोल सकती है। बेसिकली सरकार के अगेंस्ट बोलने को सेडिशन बोला था। सेडिशन नाम के शब्द को कॉलोनियलिज्म के दौरान बहुत इस्तेमाल किया जाता था। आगे कंटिन्यू करते हैं बट उससे पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, अलग अलग प्रकार से आपके साथ जुड़ा रहूँगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए और मेरे बाकी करंट अफेयर्स की PDF के लिए। प्लस मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पर और बहुत सी मैंने टॉपिक्स पर वीडियोज़ बना रखी, प्लेलिस्ट वाइज उनको सेग्रीगेट कर रखा है, आपको वहाँ पे बहुत काम का अपने पढ़ने का मटेरियल मिल जाएगा, अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबाइए। यहाँ पे आपको एक प्रिंटिंग प्रेस के अंदर का एक सीन दिख रहा है, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस में स्केलेटन्स डांस कर रहे हैं। कुल मिला के उस समय पे 16वीं शताब्दी में कुछ लोगों ने प्रिंटिंग का एक खौफ सा बैठा दिया लोगों के दिमाग में। बेसिकली प्रिंटिंग प्रेस के अंदर यहाँ पे आपको डेथ के स्केलेटन्स डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअली में ये जो प्रिंटिंग थी ना, इसके साथ डेथ को एसोसिएट किया गया दो तरीके से। पहले तो कहीं ना कहीं ये जो प्रिंटिंग प्रेसेस थी इन्होंने जब लॉजिकल और रीजनिंग पे बेसिस पे
चीज़ों को छापना शुरू किया तो जो चर्च की अथॉरिटी थी, जो बड़े बड़े मोनार्च की अथॉरिटी थी, वो सबवर्ट होने लगी। तो बहुत जगह पर रेवोल्यूशंस हुआ, लीडर्स को मार दिया गया, मोनार्च को मार दिया गया, चर्च की अथॉरिटी के अगेंस्ट बात हुई, तो इस प्रकार से भी डेथ था। और जो बड़े 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 चर्च और मोनार्च थे, जब भी कोई प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू इनकी अथॉरिटी को चैलेंज करता था, वो उसको मरवा देते थे। तो कहीं ना कहीं इस प्रिंटिंग की टेक्निक के साथ डेथ एसोसिएट होने लगी। इसलिए यहाँ पे आपको इस फोटो में बहुत सारे स्केलेटन्स इस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर नजर आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं प्रिंटिंग के इस प्रोसेस को डेथ से एसोसिएटेड माना जा रहा है। फिर फियर ऑफ द बुक के ऊपर यहाँ पे एक कोट दिया हुआ है। एरास्मस करके एक लैटिन स्कॉलर था, एक कैथोलिक रिफॉर्मर था, जिसने कि एक्सेसेस ऑफ कैथोलिसिज्म के अगेंस्ट बात की। जो कैथोलिक रोमन चर्च था, इसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो कि लॉजिकल नहीं मानी जाती थी। इसलिए एरास्मस इस कैथोलिक थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं रिफॉर्म करना चाहता था, कैथोलिसिज्म के एक्सेसिव चीज़ों को कहीं ना कहीं कम करना चाहता था। और उसके लिए उसने प्रिंटिंग के थ्रू कहने की कोशिश की कि भाई देखिए, ये जो किताबें हैं, ये किताबें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ, कैथोलिक धर्म को रिफॉर्म ज़रूर करना चाहता था यहाँ पे इरास्मस, लेकिन इरास्मस मार्टिन ल्यूथर जितना ज़्यादा रेवोल्यूशनरी नहीं था। तो बेसिकली यहाँ पे इरास्मस यही बोल रहा है कि भाई प्रिंटेड लिटरेचर बहुत हद तक एग्जिस्ट करता है। अब ज़्यादा प्रिंटेड लिटरेचर ज़रूर नॉलेज लेके आता है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा मल्टीट्यूड ऑफ लिटरेचर होगा तो उसके चलते एक एक्सेसिव सप्लाई हो जाएगी, ग्लट हो जाएगा, जिसके चलते ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों के पास अवेलेबल होगी, और उसमें से बहुत सी इन्फॉर्मेशन स्टूपिड हो सकती है, इग्नोरेंट हो सकती है, स्लैंडरस हो सकती है, स्कैंडलस हो सकती है, रेविंग हो सकती है, इरिलीजियस हो सकती है, स्टेडिशियस हो सकती है, जो कि सही नहीं है। कुल मिला के बहुत सारे प्रिंटेड मटेरियल्स में कुछ पब्लिकेशन अच्छी होती हैं और ज़्यादातर ख़राब होती हैं। यहाँ पे इरास्मस एक मिडिल ग्राउंड पाने की कोशिश कर रहा है। मतलब इरास्मस कहीं ना कहीं रिफॉर्म को भी प्रमोट कर रहा है, एट द सेम टाइम जो बड़े बड़े मोनार्क हैं और चर्च की अथॉरिटी को इस हद तक चैलेंज नहीं कर रहा है कि इरास्मस को उड़ा दिया जाए। मेनोचियो ने तो इस हद तक, आप कह सकते हो, रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर अटैक मारा कि उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, लेकिन उस हद तक यहाँ पे इरास्मस नहीं गया। इरास्मस ये बोल रहा है कि यहाँ भाई पब्लिकेशंस अच्छी बातें आ रही हैं, बट एक लिमिट से ज़्यादा पब्लिकेशंस करप्ट कर सकती हैं। तो बेसिकली कैथोलिसिज्म में रिफॉर्म करने की बात कर रहा है, बट चर्च को एक लिमिट से ज़्यादा नाराज भी नहीं करना चाहता। आगे बात करते हैं द रीडिंग मानिया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में लिटरेसी बहुत तेज़ी से बढ़ी। अलग अलग जो चर्चेस के डिनोमिनेशंस थे लोकल लेवल पे, उन्होंने गांव-गांव में जाके स्कूल खोले, भाई पीजेंट्स को पढ़ाया लिखाया, आर्टिसंस को पढ़ाया लिखाया। अगर आप 18वीं शताब्दी के एंड में आ जाओ तो यूरोप के कुछ हिस्सों में लिटरेसी रेट 60-80% पहुँच चुका था। यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन फैलाना ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि पढ़ना लिखना सीखना चाहते थे। मैंने बताया था ना, जब ये रीडिंग का कल्चर आगे आया, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे, वो किताबें पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया। अब आप देखोगे कि लिटरेसी स्कूल यूरोपियन कंट्रीज़ में फैले, और जैसे जैसे लोगों को पढ़ना लिखना आया, उन्होंने रीडिंग करना शुरू किया, रीडिंग के प्रति वो पैशनेट हो गए। लोग किताबें पढ़ना चाहते थे, और प्रिंटर्स जानते थे कि भाई किताबों की डिमांड है, तो प्रिंटर्स ने बहुत बड़े स्केल में किताबों को छापना शुरू किया। बहुत अलग अलग प्रकार के पॉपुलर लिटरेचर के फॉर्म्स आने लगे। बुक सेलर्स ने नए नए प्रकार के नॉवल्स, स्टोरीज, एसेज को पब्लिश करना शुरू किया, और यहाँ पे एक अलग ही प्रकार का, आप कह सकते हो, मैकेनिज्म इन्वॉल्व हुआ किताबों को बेचने का। तो बुक सेलर्स ने पेडलर्स को एम्प्लॉय किया किताब बेचने के लिए। अब आप बोलोगे कि पेडलर क्या होता है, तो पेडलर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि पैदल जगह जगह पे घूम घूम के किताबें बेचते रहता है। फिर अल्मनाक्स थे, आप बोलोगे अल्मनाक क्या होता है, तो अल्मनाक एक एनुअल पब्लिकेशन होती है जो एस्ट्रोनॉमिकल डाटा के बारे में बताती है, सन और मून के मूवमेंट के बारे में बताती है, फुल टाइड और एक्लिप्सिस की टाइमिंग बताती थी, और लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती थी। तो अल्मनाक और रिचुअल कैलेंडर्स को भी यहाँ पे पब्लिश किया गया बैलाड्स और फोक टेल्स के साथ, ताकि वो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट हो जाए, और इस अल्मनाक्स को भी बेचा गया। फिर और बहुत बहुत प्रकार के रीडिंग मैटर्स को यहाँ पे पब्लिश किया गया, जो कि ऑर्डनरी रीडर्स तक पहुँच रहा था, और ऑर्डनरी रीडर्स उसमें बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, इंटरेस्टेड थे। जैसे कि इंग्लैंड में पेनी चैक बुक्स बेची गई, तो छोटे छोटे पेडलर्स, जिनको कभी कभी चैपमैन भी कहा जाता था। चैप बुक क्या होती है, तो चैप बुक छोटी छोटी पॉकेट साइज की बुक्स होती हैं, जिनको ट्रैवलिंग पैडलर्स, जिनको आप चैपमैन बोलते हो, वो ट्रैवलिंग पैडलर्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह लोकल इलाकों में जाते रहते हैं, उनको किताब दे दी, उनसे बोला कि तुम इसको बेचो, इतना पैसा हमको दे देना, बाकी तुम्हारा कमीशन। तो इस प्रकार से 16वीं शताब्दी में प्रिंट रेवोल्यूशन बहुत जगहों पर खेलना शुरू हुआ। लॉजिस्टिकल, आप कह सकते हो, जो मीन्स थे वो उतने डेवलप्ड नहीं थे, तो चैपमैन के थ्रू
पेडलर्स के थ्रू यहाँ पे किताबें बेची गई, तो एलमनैक्स बेचे गए, छोटी छोटी किताबें बेची गई, चैप बुक्स बेची गई, और चैप बुक्स एक पेनी की बिकती थी, पेनी चैप बुक्स मतलब एक पेनी की एक चैप बुक बिक रही, तो सस्ती थी तो गरीब लोग भी खरीद सकते थे। फ्रांस में बिलियोथेक ब्लूक बिकना शुरू हुई, बिलियोथेक ब्लूक कम दाम की छोटी छोटी किताबें थी जिसमें जो पेपर की क्वालिटी थी वो कम थी, जो उसका कवर था वो ब्लू रंग का चीप सा कवर था, तो चूंकि चीप पन्ने और चीप कवर इस्तेमाल किया गया तो किताब बहुत सस्ती थी, तो आराम से लोग किताब खरीद लेते थे। फिर कुछ रोमांटिक प्लेस 4 से 6 पन्ने के, ठीक है, कुछ हिस्ट्री की किताबें पब्लिश करके अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे बेची जाने लगी। ओके, और कहीं ना कहीं बुक्स में हिस्ट्री एलमनैक्स के साथ साथ करंट अफेयर्स और एंटरटेनमेंट की चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया। धीरे धीरे आप देखोगे न्यूज़पेपर्स जर्नल्स छपने लगे जो कि दुनिया भर में हो रहे वॉर्स और ट्रेड के बारे में देश के लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, अलग अलग जगह पे क्या क्या चीज़ें हो रही थी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। फिर भाई जो साइंटिस्ट थे, जो फिलोसफर्स थे, जो अपनी अपनी बातें रीजन ऑफ साइंस के हिसाब से या लॉजिक के हिसाब से बोलते थे, इन सब लोगों की बातें अब लोगों के पास पहुंच रही थी। जो एंशियंट और मिडिवल साइंटिफिक टेक्स्ट थे इनको कंपाइल किया जा रहा था, पब्लिश किया जा रहा था। तो पहले जो गरीब लोग थे या फिर अनपढ़ लोग थे बोल लीजिए, जो कि एंशियंट टेक्स्ट को नहीं पढ़ पाते थे, नहीं समझ पाते थे, तो जो ज़्यादा नॉलेजफुल टाइप के लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, वो उनको बेवकूफ़ बनाते थे कि देखिए इसमें ये लिखा हुआ तुमको ये बात ऐसे माननी पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे इनको भी पढ़ना आ गया जो नहीं पढ़े थे, और फिर उन्होंने पढ़ के चीज़ों को अपने अपने हिसाब से इन्फर करना शुरू कर दिया। साइंटिफिक डायग्राम्स बहुत सारे यहाँ पे छपने लगे, न्यूटन जैसे साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरीज को यहाँ पे पब्लिश करना शुरू कर दिया, और न्यूटन जैसे साइंटिस्ट जब भी कुछ बोलते थे तो जो साइंटिफिक प्रकार का माइंडसेट रखने वाले लोग थे उन पर बहुत इफेक्ट पड़ता था। आज की डेट में भी इंडिया के साइंस सोसाइटी में देख लीजिए अलग अलग प्रकार का लोग हैं, कुछ लोग इंटेलेक्चुअल हैं, अलग अलग प्रकार की उनकी फिलॉसफी है, राइट विंग फिलॉसफी है, लेफ्ट विंग फिलॉसफी है, कुछ लोग न्यूट्रल फिलॉसफी के हैं, कुछ लोग वॉर रिलेटेड चीज़ें अपील करती हैं, कुछ लोगों को रोने धोने के रिलेटेड चीज़ें अपील करती हैं, कुछ लोगों को साइंस से रिलेटेड चीज़ें अपील करती हैं, कुछ लोगों को आप कह लीजिए कि इंटरस्टेलर जैसी मूवीज पसंद आएंगी, कुछ लोगों को चेन्नई एक्सप्रेस पसंद आएगी। तो अलग अलग प्रकार के लोगों ने अपने अपने दिमाग से चीज़ों को इन्फर करना यहाँ पे शुरू किया। फिर कुछ थिंकर्स जैसे कि थॉमस पेन, वॉल्टेयर और जीन जैक्स रूसू, इनकी राइटिंग्स यहाँ पे वाइडली प्रिंट होने लगी, पढ़ी जाने लगी, इनके जो आइडियाज़ थे साइंस रीजन और रेशनैलिटी के हिसाब से वो पॉपुलर लिटरेचर में पोर्ट्रे होने लगे। फिर 1791 में एक लंदन पब्लिशर जिनका नाम था जेम्स लैकिंगटन, इन्होंने क्या लिखा कि भैया ये जो बुक्स की सेल है ये पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ी है, और जो गरीब तबका है जैसे फार्मर्स हो गए, इवन ये लोग भी कहीं ना कहीं पहले भूत प्रेतों की कहानियों को सुन के अपनी सर्दी की रातें काटा करते थे। सर्दी की रातें मतलब जिस समय पे इनको एग्रीकल्चर का काम नहीं होता था, और अब ये लोग भी कहीं ना कहीं चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो अगर घर का बेटा टाउन जाता है किसी पर्टिकुलर काम के लिए तो उससे बोला जाता है कि भाई पैराग्रीन पिकल की एडवेंचर वाली किताब खरीद लाना, या फिर डॉली अगर अंडे बेचने के लिए शहर जाती तो उससे बोला जाता है कि भाई द हिस्ट्री ऑफ जोसेफ एंड्रूस की किताब खरीद लाना। तो मतलब कहीं ना कहीं रीडिंग लोगों की लाइफ का एक पार्ट बन गई। पहले जो लोग उल्टी सीधी चीज़ों में अपना टाइम पास किया करते थे, अब वो बहुत कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में अपना समय पास करने लगे, चीज़ों को समझने लगे। फिर बात करते हैं ट्रेम्बल देयरफॉर द टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, बेसिकली इस लाइन से आप समझ सकते हो कि रीडिंग आ गई है, लोगों के अंदर समझदारी आ गई है, तो ये जो टायरेंट्स हैं जो गलत तरीके से अपना राज दुनिया भर में चलाते हैं तुम लोग डरो। मिड 18th सेंचुरी तक आते आते लोगों के अंदर एक कन्विक्शन आ गया, एक फीलिंग आ गई कि भाई ये जो बुक्स है ना, दे आर अ मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड इनलाइटनमेंट, इन बुक्स को पढ़ के लोगों की प्रोग्रेस और इनलाइटनमेंट बढ़ेगी, इन बुक्स के अंदर ताकत है कि ये दुनिया को बदल सकते हैं और सोसाइटी को डेस्पोटिज्म और टिरेनी से कहीं ना कहीं बचा सकते हैं रीजन और इंटेलेक्ट के दम पे। यहाँ पे लुई सेबेस्टियन मर्सियर करके एक नॉवेलिस्ट थे 18वीं शताब्दी के फ्रांस के, जिन्होंने डिक्लेयर किया कि जो प्रिंटिंग प्रेस है ये सबसे पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का और पब्लिक ओपिनियन का, और इसके चलते जो डेस्पोटिज्म, ये एक राजा निरंकुश तरीके से राज करके लोगों के ऊपर अत्याचार करता है, इसको हम रोक सकते हैं। लुई सेबेस्टियन मर्सियर के बहुत सारे नॉवेल्स में अगर आप देखोगे तो जो हीरोज थे ना वो पढ़ लिख के ही ज्ञान पाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो हीरोज हैं वो बुक्स को पढ़ते हैं, और इस किताब में बुक्स को मतलब इस दुनिया में बुक्स को पढ़ के इनलाइट होते हैं और फिर कुछ ना कुछ करते हैं। प्रिंटिंग की पावर ने इनलाइटनमेंट लेके आई, और डिस्पोटिज्म के जो वेरी बेस था ना इसको कहीं ना कहीं हिला के रख दिया, और इसी के रिस्पेक्ट में मर्सियर क्या बोल रहे हैं, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड,
ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, मतलब उस वर्चुअल राइटर के सामने जिसकी किताब को आगे आने वाले समय में लोग पढ़ के तुम्हारी अथॉरिटी को चैलेंज करोगे, उससे डरो, उससे कांपो। ये यहाँ पे इनका मैसेज है। और यहाँ पे बेसिकली मर्सियर प्रिंटेड वर्ड को, रीडिंग की हैबिट को किस प्रकार से डिस्प्ले कर रहे हैं। मर्सियर बोल रहे हैं कि एक ऐसा इंसान जो कि इतना प्यासा है कि पानी की वजह से मर रहा है प्यास की वजह से, उसको जब आप पानी दे दोगे तो पानी पीने में जितना इंटरेस्टेड नजर आएगा, कुछ उस प्रकार से मैं हूँ रीडिंग में इतना इंटरेस्टेड। मतलब मैं इस प्रकार से रीड कर रहा हूँ कि पीछे घड़ी जब 12 बजाती है और उसका घंटा बजता है तो मुझे सुनाई नहीं पड़ता है। भाई मेरे लैम्प की लाइट कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, लेकिन उस लैम्प का विकल ऊपर उठाने में जो मेरा पढ़ाई का मोमेंटम टूट जाएगा, इसलिए मैं उसका विकल ही ऊपर नहीं उठा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि रीडिंग के पैशन को यहाँ पे बड़े ब्यूटीफुल वर्ड्स में डिस्प्ले किया जा रहा है। फिर बात करते हैं प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। अच्छा, डेस्पोटिज्म नाम का यहाँ पे शब्द आया था। डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है? एक मतलब डिक्टेटरशिप समझ लीजिए, एक प्रकार का ऐसा गवर्नेंस जहाँ एक आदमी के हाथ में एब्सोल्यूट पावर है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का चेक नहीं है, ना जुडिशरी का, ना लेजिस्लेचर का, जो वो बोलता है वही हो जाता है। तो अकबर, अशोक, हिटलर, ये सब जो रूलर्स रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डेस्पॉट्स रहे हैं। अभी कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ ना, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इसलिए हुआ, उन सर्कमस्टांसिस की वजह से हुआ जिन सर्कमस्टांसिस को बनाया प्रिंट कल्चर ने। यहाँ पे तीन प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो पोजिशन को सपोर्ट करने के लिए बताए गए। अगर आप देखो तो इनलाइटनमेंट के आइडियाज़ को इस प्रिंट ने पॉपुलराइज किया। समझ में आए भाई, कहीं ना कहीं ट्रेडिशन के ऊपर, सुपरस्टिशन के ऊपर, डेस्पॉटिज्म के ऊपर बहुत सारी राइटिंग्स लिखी गई। अब आप समझिए, कहीं ना कहीं इनलाइटनमेंट में क्या हुआ कि रीजन के ऊपर फोकस किया गया। ठीक है, एक राजा कुछ बोल रहा है या फिर एक सुपरस्टिशन में एक रिलीजन धर्मगुरु कुछ बोल रहा है, लेकिन उसको सीधे सीधे प्राइमा फेसी ना सही मानकर अगर आप अपना दिमाग लगा के कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट पुटअप करते हो तो ये क्या है, ये आपने रीजन किया। तो रूल ऑफ रीजन होना चाहिए, ना कि रूल ऑफ कस्टम। ये बात यहाँ पे डिपेंड की गई। रीजन को अप्लाई करो, रेशनैलिटी को अप्लाई करो, और जब आप रीजन रेशनैलिटी अप्लाई करोगे तो जो सैक्रेड अथॉरिटी है चर्च की और जो डेस्पोटिक अथॉरिटी है राजा की या स्टेट की, ये दोनों इरोड होंगी। और जब आप इन दोनों की अथॉरिटीज़ को इरोड करोगे तो कहीं ना कहीं एक नए प्रकार के सोशल ऑर्डर को बनाने की बात कर रहे हो यहाँ पे। और ये बहुत से ऑथर्स की राइटिंग ने किया है, चाहे वोल्टेयर की बात कर लो, चाहे जीन जैक्स रूसो की बात कर लो। तो कहीं ना कहीं इन बड़े बड़े आप कह सकते हो ऑथर्स ने जिस प्रकार से दुनिया को देखा, दुनिया का देखने का चीज़ों को नज़रिया ही बदल गया। और जब दुनिया का देखने का नज़रिया ही बदल गया तो जितने बड़े बड़े राजे, रजवाड़े और चर्च थे, ये गलत आने नज़र आने लगेंगे। और यही हुआ यहाँ पे। फिर प्रिंट की वजह से कल्चर ऑफ डायलॉग और डिबेट प्रमोट हुआ। कहीं ना कहीं लोगों ने चीज़ों के ऊपर सवाल पूछना शुरू किया, चीज़ों को डिबेट करना शुरू किया। अगर आप डिबेट में उनको कन्विंस कर पाए, वेल एंड गुड, वो आपकी बात को मानेंगे। नहीं कन्विंस कर पाए तो कहीं ना कहीं वो आपको बात को नहीं मानेंगे। तो वो वैल्यूम्स, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस जिनको पहले आंख बंद करके मानना पड़ता था, चाहे आप उस पर भरोसा करो चाहे आप उनसे डरो, अब कहीं ना कहीं आप भरोसा करोगे तो अपनी फीलिंग के बेसिस पर भरोसा करोगे, अपनी रीजन की ताकत पर भरोसा करोगे, ना कि केवल इसलिए क्योंकि वो एग्जिस्टिंग आइडियाज ऑफ बिलीफ है। और उसके चलते नए आइडियाज सोशल रेवोल्यूशन के सामने आए, जिसके हिसाब कह सकते हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रमोट हुआ। और 1780s तक आते आते कुछ ऐसा लिटरेचर ऑलरेडी सामने आ चुका था जो कि रॉयलिटी को, राजाओं को, चर्च को और उनकी अथॉरिटी को, उनकी मोरालिटी को क्वेश्चन कर रहा था। और जब आप एस्टैब्लिश सोशल ऑर्डर को क्वेश्चन करोगे तो कहीं ना कहीं आप ऐसे मैकेनिज्म से इवॉल्व करोगे जो कि उनकी अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो कार्टून्स बनाए गए, कैरिकेचर्स बनाए गए जो कि कहीं ना कहीं अथॉरिटी के अगेंस्ट बात करते थे। कहीं ना कहीं ये बोलते थे कि जो राजे रजवाड़े हैं, ये जो चर्च अथॉरिटीज़ हैं, सेंशुअल प्लेशर्स में इन्वॉल्व हैं जबकि लोग परेशानियां झेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस लिटरेचर के चलते लोगों के अंदर अपनी रॉयल्टी के प्रति और रिलीजन के प्रति जो गुस्सा था वो भरता चला गया। और कहीं ना कहीं इन सब सेंटिमेंट्स में प्रिंट ने कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले किया है। और वोल्टेयर और जीक्स जैक्स रूसो जैसे आप कह सकते हो ऑथर्स ने चीज़ों को लिखा, उन चीज़ों में मोनार्कियल और चर्च प्रोपोगंडा के अगेंस्ट बात लिखी हुई थी, सब लोगों ने उसको पढ़ा। अब आप समझो यहाँ पे बात को, ऐसा नहीं है कि जीन जैक्स रूसू, वोल्टेयर, किसी और बड़े ऑथर ने कुछ लिख दिया, आपने पढ़ लिया और आपने उसको ब्लाइंडली मान लिया। एट द सेम टाइम चर्च भी अपना प्रोपोगंडा फैला रहा था और ये जो बड़े बड़े मोनार्क थे ना, ये भी अपना प्रोपोगंडा फैला रहे थे। तो प्रिंटिंग के थ्रू चर्च भी अपने आइडियाज को प्रमोट कर रहा था
और कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े वोल्टेयर, रूसो और दूसरे रिफॉर्मर्स थे वो भी अपने आइडिया को प्रमोट कर रहे थे, लोग सबके आइडियाज पढ़ रहे थे। ये लोगों पर डिपेंड करता था कि वो कौन से आइडियाज मानना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जीन जॉक्स, रूसो और वोल्टेयर ने कुछ लिख दिया और लोगों ने आग बंद करके मान लिया, नहीं, लोगों ने अपनी समझ के हिसाब से चीज़ों को पढ़ा। जो वो पढ़ना चाहते थे वो उन्होंने पढ़ा, जो वो नहीं पढ़ना चाहते थे वो उन्होंने इग्नोर किया और अपनी समझ के हिसाब से उन्होंने चीज़ों को इन्फर किया। तो ये बोल देना कि सिर्फ प्रिंट रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा सही नहीं है, क्योंकि प्रिंटिंग के थ्रू तो चर्च ने भी पूरी कोशिश की थी अपने प्रोपोगंडा को फैलाने की, लेकिन उस प्रोपोगंडा में लोग नहीं आए, मतलब प्रिंटिंग बस एक जरिया था, ये लोग जो खुद करना चाहते थे वही हुआ। और उस समय के प्रिंट से देखिए किस प्रकार के, आप कह सकते हो, फिगर्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो नोबिलिटी है मजे में रह रही है, और दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं वो कितनी मेहनत से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो प्रिंट्स थे वो कहीं ना कहीं नोबिलिटी को गलत लाइट में दिखाते थे और कॉमन पीपल को ये दिखाते थे कि भाई कॉमन पीपल कितना तड़प रहा है, कितना परेशान हो रहा है। और इसके चलते धीरे धीरे नोबिलिटी और रॉयल्टी के अगेंस्ट जो लोगों के अंदर गुस्सा था वो पनप रहा था। आगे आ जाते हैं 19वीं शताब्दी में यूरोप में मास लिटरेसी आई, चिल्ड्रंस, वुमेंस, वर्कर्स, सब लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ना आ गया। प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया लेट 19वीं सेंचुरी में, स्कूल टेक्स्ट बुक्स को बहुत मैसिव बेसिस पे यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया पब्लिशिंग इंडस्ट्री के द्वारा। ओके, एक चिल्ड्रंस प्रेस बनाई गई थी फ्रांस के अंदर 1857 में, जहाँ पे सिर्फ चिल्ड्रंस से रिलेटेड लिटरेचर पब्लिश होता था। यहाँ पे ओल्ड फेरी टेल्स, फोक टेल्स, हर प्रकार की चीज़ें छापी जाती थी। जर्मनी में ग्रिम ब्रदर्स करके इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने सालों बिताए फोक टेल्स के आधार पे, ठीक है ना, ये फोक टेल्स जो कि उन्होंने किसानों से इकट्ठा की थी बच्चों के लिए अच्छे अच्छे प्रिंट्स बनाने के लिए, बच्चों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं इनको पब्लिश करने से पहले एडिट किया जाता था और फाइनली एक कलेक्शन पब्लिश किया 1812 में। कुल मिला के कहने की क्या कोशिश की जा रही है कि हर तबके के लिए इंक्लूडिंग बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज तरीके से प्रिंट एडिशंस यहाँ पे छापे गए हैं। ओके, फिर आप समझोगे कि भाई वो प्रिंटेड एडिशंस जो कि कहीं ना कहीं बच्चों के लिए वल्गर माने जाते थे, ओके, और या फिर कह लीजिए एलीट और बहुत पढ़े लिखे और हाई क्लास के लोगों के लिए वल्गर माने जाते थे, उनको पब्लिश्ड वर्जन्स में नहीं छापा जाता था, मतलब सेंसरशिप यहाँ पे भी होती थी। रूरल फोक टेल्स को भी यहाँ पे प्रिंट के फॉर्म में उतारा गया, पुरानी टेल्स, नई टेल्स, वो चीज़ जो कहीं ना कहीं किसी को इंटरेस्टिंग लगी उसको कहीं ना कहीं टेल्स के फॉर्म में, प्रिंट के फॉर्म में लोगों के सामने लेके आया गया, कुछ जगहों पे लिखित फॉर्म में और कुछ जगहों पे विजुअल फॉर्म में, मतलब फिगर वगैरह बना के, पिक्चर वगैरह बना के। जैसे यहाँ पे मैगजीन में आपको यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी कुछ पिक्चर्स नजर आ रही थी, ये पिक्चर्स कहीं ना कहीं उस समय के लोगों की जिंदगियों को दिखाती थी। 1832 से लेकर 1835 के बीच में ये पेनी मैगजीन पब्लिश होती थी इंग्लैंड में बाय द सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज, वर्किंग क्लास की परेशानियों को ये पिक्चर उस समय पे दिखाती थी। यहाँ पे आपको वर्किंग क्लास के लोग नजर आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये सब चीज़ें हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि वुमेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होने लगी, वुमेंस राइटर्स भी थी और वुमेंस रीडर भी थी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेनी मैगजीन्स में वुमेन के रिस्पेक्ट में काफी कुछ डिस्प्ले किया गया। अब ये जो आप कह सकते हो पेनी मैगजीन्स थी, इन पेनी मैगजीन्स में कई बार वुमेंस को ये बताया जाता था कि भाई प्रॉपर बिहेवियर और हाउस किसिंग कैसे कहते हैं। अब भाई वुमेन के लिए अलग से मैनुअल्स भी पब्लिश होते थे जहाँ पे उनको बिहेवियर और हाउसकीपिंग के बारे में बताया जाता था, पेनी मैगजीन्स में लेबर की हालत के बारे में छपता था। आप यहाँ देखोगे कि बहुत सारे जो नॉवल राइटिंग कल्चर उठा, उस नॉवल राइटिंग कल्चर में यहाँ पे वुमेन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने लगी। उस समय की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वुमेन्स जो नॉवलिस्ट थी वो वुमेन थी, जैसे कि जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जॉर्ज इलियट, और यहाँ पे जो इनकी नॉवल्स आई सामने, उन नॉवल्स ने एक नई प्रकार की वुमेन की पर्सनालिटी यहाँ दिखाया, एक ऐसी वुमेन जिसके अंदर विल पावर है, पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ है, डिटर्मिनेशन है, सोचने की ताकत है। तो वो जो वुमेन की इमेज थी कि हाँ भाई मेल मेंबर डिपेंडेंट है, वो इमेज यहाँ पे नहीं नजर आई। फिर आप देखोगे कि लैंडिंग लाइब्रेरीज का भी फैशन यहाँ पे चला। लैंडिंग लाइब्रेरीज मतलब अगर आपको किताब पढ़नी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप किताब खरीदो, आप लाइब्रेरी में जाके उसको लैंड करके ले आओ, पढ़ के फिर वापस कर दो। और इंग्लैंड में, पूरे इंग्लैंड में 19वीं सेंचुरी में लैंडिंग लाइब्रेरीज एक इंस्ट्रूमेंट भर के उभरी। वाइट कॉलर वर्कर्स हों, आर्टिसंस हों, लोअर क्लास मिडिल पीपल्स हों, सबने लाइब्रेरी से लैंड किया, किताब को पढ़ा और फिर वापस किया। यहाँ पे कुछ सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास के लोग थे जो कि सामने आए और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को एजुकेट करना शुरू किया। फिर आप देखोगे मिड 19वीं सेंचुरी में कहीं ना कहीं लोगों के काम करने के हालात में कुछ इंप्रूवमेंट्स आए, तो जो उनका वर्किंग टाइमिंग्स थी वो कम हुई, तो जो एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे लोगों के पास आया वहाँ पे लोगों ने कहीं ना कहीं रीडिंग को अपनी हॉबी बनाया।
उसके थ्रू उन्होंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया, सेल्फ एक्सप्रेशन किए, पॉलिटिकल ट्रैक्स के ऊपर ऑटोग्राफीज की, ऑटोबायोग्राफीज यहाँ पे बहुत सारी लिखी गई। मतलब लोग सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, अब लोग लिख रहे थे। पहले लोग सिर्फ सुनते थे, अब लोग पढ़ रहे थे और पढ़ के चीज़ें सीख रहे थे। तो कुछ लोग जो ज़्यादा सीख गए उन्होंने लिखा भी। यहाँ पर एक थॉमस वुड करके यॉर्कशायर नाम की जगह है इंग्लैंड में, इसके मैकेनिक थे ये। इन्होंने ये बताया कि कैसे ये ओल्ड न्यूज़पेपर्स को रेंट करते थे, इनको पढ़ते थे इवनिंग्स में कैंडल जला के। फिर जो पुअर लोग थे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और उस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया। तो इस प्रकार की चीज़ें लोगों ने जो छोटे छोटे पब्लिकेशंस लिखे, बाद में उन पब्लिकेशंस को पढ़ के उस समय के हालात को एक्सपर्ट्स ने पता करने की कोशिश की। फिर कुछ और इनोवेशंस की यहाँ पर बात की गई। लेट 18th century आते आते जो प्रेस थी उसमें काफ़ी एवोल्यूशन हुआ, मेटल प्रेस सामने आ गई, बहुत सारे इनोवेशंस हुए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। मिड 19th century तक आते आते रिचर्ड एम हो, जो कि न्यूयॉर्क से थे, उन्होंने पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस का इस्तेमाल करके प्रिंटिंग प्रेस को बहुत हद तक इनोवेट करने की कोशिश की। अब जो प्रिंटिंग प्रेस आई थी वो 1 घंटे में 8,000 शीट्स पब्लिश कर सकती थी, और इस प्रेस का इस्तेमाल करके अब न्यूज़पेपर्स को प्रिंट किया जाना था। आप देखोगे इन द लेट 19th century द ऑफसेट प्रेस वॉज डेवलप्ड विच कुड प्रिंट अप टू 6 कलर्स एट अ टाइम। मतलब ये जो ऑफसेट प्रेस थी ये टेक्स्ट में 6 कलर्स को प्रिंट कर सकती थी। ओके, और 20th century तक आते आते इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस आप यहाँ आ गई, जिसने प्रिंटिंग ऑपरेशंस को बहुत ज़्यादा तेज कर दिया। और आगे भी देखोगे तो लगातार इनोवेशन होते चले गए, पेपर की क्वालिटी बढ़ती चली गई, जो प्रिंट थी उसकी क्वालिटी बढ़ती चली गई, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स, अलग अलग प्रकार के कलर्स का इस्तेमाल करना, बहुत सारे ऐसे ऐसे मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट्स आए जिससे प्रिंटेड टेक्स्ट की क्वालिटी अच्छी ही होती चली गई। और यहाँ पे प्रिंटर्स और पब्लिशर्स ने जो प्रिंटेड क्वालिटी थी केवल उसको इम्प्रूव नहीं किया, नई नई स्ट्रेटजीज यहाँ पे ईजाद की गई अपनी चीज़ों को बेचने की। 19th century के जो पीरियोडिकल्स थे ना, अच्छी अच्छी नावल लिखाई गई, इन नावल में उस समय के लोगों की ज़िंदगी को डिस्प्ले करना। 1980s में एक नावल की सीरीज़ निकली थी, शिलिंग सीरीज़, इसको काफ़ी बेचा गया। ओके, फिर 20th century का एक इनोवेशन था जिसको बोला गया डस्ट कवर और बुक जैकेट इनोवेशन। ओके, कहीं ना कहीं डस्ट कवर मतलब कि बुक जैकेट मतलब कि भाई बुक साफ रहे, उसमें ज़्यादा डस्ट ना घुसे। कहने का मतलब है कि ये डस्ट कवर और बुक जैकेट चलते बुक्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन लगा दिया गया, जिससे बुक्स गंदी ना हो बट उससे थोड़ी महंगी भी हो गई। 1930s तक ग्रेट डिप्रेशन आ जाएगा, ग्रेट डिप्रेशन जब आ जाएगा तो भाई लोगों की जेब से पैसे ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे जो प्रिंटर्स थे उनको लगा कि भाई अगर महंगी हो जाएंगी किताबें तो कोई ख़रीदेगा नहीं, चूँकि लोगों की जेब में पैसे नहीं थे। तो पहले ये जो बुक जैकेट और डस्ट कवर के इनोवेशंस थे, यहाँ पे सस्ते इनोवेशंस लाए गए और पेपर बैक एडिशंस लाए गए। पेपर बैक एडिशंस क्या होते हैं, आज की डेट में आप फ्लिपकार्ट से या अमेजन से कभी आप किताब खरीदो तो उसमें एक ऑप्शन होता है पेपर बैक का ऑप्शन। पेपर बैक के ऑप्शन में क्या होता है कि जो किताब आपकी आती है ना उसका जो फ्रंट पेज और बैक पेज होता है उसमें कोई दफ्ती नहीं होती, वो बस एक पन्ना होता है, तो इसको पेपर बैक एडिशन बोलते हैं, जिसमें किताब को छापने में किसी भी प्रकार की दफ्ती इस्तेमाल नहीं की गई। अगर दफ्ती इस्तेमाल करोगे तो किताब कहीं ना कहीं महंगी हो गई, सिर्फ किताब को सिर्फ पन्ने के बेसिस पे छाप दिया, उसके फ्रंट कवर को जो कि नॉर्मल कर दफ्ती में छपता है उसको ही पन्ने से छाप दिया गया, तो किताब थोड़ी सस्ती हो जाती है इससे। फिर यहाँ पे आपको एक रेलवे स्टेशन दिखाया जा रहा है इंग्लैंड का, 1874 की फोटो है। इस इंग्लैंड के रेलवे स्टेशन पे देखिए कितने प्रकार के एडवर्टीजमेंट्स यहाँ छपे हुए हैं। तो आप देखोगे कि प्रिंट का प्रयोग यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स छापने के लिए भी किया गया, लोगों तक अलग अलग प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, इसके लिए भी यहाँ पे प्रिंट टेक्नोलॉजी का बहुत मैसिव स्केल पे इस्तेमाल किया गया। फिर बात करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, इसके बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पे शुरुआत कर देते हैं। राइट साइड पे देखिए यहाँ पे एक फिगर दिखाया जा रहा है, पेजेस फ्रॉम गीत गोविंद ऑफ जयदेव। ओके, दिस इज अ पाम लीफ रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन अकॉर्डियन फॉर्मेट। अकॉर्डियन फॉर्मेट क्या होता है ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ओके, ये आप कह सकते हो गीत गोविंद का पेज है। बेसिकली मैनुस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट के बारे में जानते हैं भैया। हैंड इट्स रिटन मैनुस्क्रिप्ट इंडिया में बहुत एग्जांपल्स हैं, चाहे संस्कृत भाषा हो, अरबिक भाषा हो, पर्शियन भाषा हो या दूसरी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जैसे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, कोई भी भाषा हो, हर भाषा में हमारे यहाँ पे मैनुस्क्रिप्ट्स हैं। हैंड रिटन मैनुस्क्रिप्ट्स मतलब कि पेपर पे, आप कह लीजिए कि पेड़ की पत्तियों पे, हालांकि पेड़ की पत्तियों वाले मैनुस्क्रिप्ट्स बचे नहीं हैं, मतलब हाथ से आपने टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो बेसिकली आपने हैंडमेड पेपर पे या पाम लीव्स पे हाथ से टेक्स्ट लिखे तो ये हो गई मैनुस्क्रिप्ट्स। यहाँ पे पेजेस पे बहुत सारे ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस किए गए, डेकोरेटिव डिज़ाइंस बनाए गए, और कई बार इन मैनुस्क्रिप्ट्स को
वुडन कवर्स के अंदर या फिर एक दूसरे के साथ सीव करके किसी चीज़ के बीच में दबा के रख दिया ताकि ये लंबे समय तक प्रिजर्व रहे। आप देखोगे इंडिया में लेट 19th सेंचुरी में आया है प्रिंट, 1430s में गुटनबर्ग में कहीं ना कहीं प्रिंट ले आया था यूरोप में जर्मनी में, लेकिन इंडिया में लेट 19th सेंचुरी में आया है प्रिंट। तो मैनुस्क्रिप्ट ही चल रहे थे इंडिया में लेट 19th सेंचुरी तक, और ये जो मैनुस्क्रिप्ट थे ये बहुत महंगे थे और फ्रेजाइल थे। फ्रेजाइल तो होंगे भाई, पन्ना है, एक लिमिट से ज़्यादा पन्ना चलेगा नहीं, तो इनको केयरफुली हैंडल करना है, और उस पन्ने की कीमत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उसके ऊपर जो कुछ भी लिखा है वो पर्टिकुलर पर्सन ने अपने हाथ से लिखा है, ऐसा तो है नहीं कि प्रिंट से आया है। तो कहीं ना कहीं मैनुस्क्रिप्ट सबके पास अवेलेबल थे नहीं, जिसके पास भी अवेलेबल थे प्रॉपर तरीके से उसको बचा के रखना है। यहाँ पे आपको मैनुस्क्रिप्ट नज़र आ रहा है दीवान हाफिज़ 1824 का। हाफिज़ एक 14th सेंचुरी पोइट थे, इनके कलेक्टेड वर्ड्स को दीवान कहा गया है। ब्यूटीफुल कैलीग्राफी नज़र आ रही, देखिए जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये कैलीग्राफी है, किसी ने हाथ से लिखा है और उसके बाद प्रॉपर तरीके से इस किताब को कंपाइल कर रखा गया है, तो कहीं ना कहीं एक मैनुस्क्रिप्ट है। इस प्रकार के बहुत से मैनुस्क्रिप्ट इंडिया में मिलते हैं जिसमें अलग अलग स्टाइल्स की यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। मैनुस्क्रिप्ट एवरीडे लाइफ में यूज़ नहीं होते थे, समझ गया बात को, चूँकि एवरीडे लाइफ में मैनुस्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने के लिए आपकी इतनी औकात भी होनी चाहिए कि आप मैनुस्क्रिप्ट्स को अफोर्ड कर सको। ऑब्वियसली बात है, जो बड़े राजे रजवाड़े या अमीर लोग थे वही अफोर्ड कर सकते थे मैनुस्क्रिप्ट्स को। ओके, तो ये डेली लाइफ में ज़्यादा तो यूज़ होते नहीं थे। आगे देखिए क्या लिखा, इवन दो प्री कॉलोनियल बंगाल हैड डेवलप्ड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ विलेज प्राइमरी स्कूल्स, स्टूडेंट वेरी ऑफन डिड नॉट रीड टेक्स्ट। समझिए बात को, प्री कॉलोनियल बंगाल में बहुत सारे स्कूल खोले गए। अभी जब स्कूल खुलता है तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, स्कूल में क्या होगा, पढ़ना और लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखना बहुत होता था भाई, बंगाल में जो स्कूल खोले गए उस समय पे लिखा जाता था स्कूल में, तो टीचर्स को जो जो भी याद था वो अपने मेमोरी से बोलते थे और स्टूडेंट्स लिखते थे, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए आपको प्रिंट छापने पड़ेंगे और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंडिया में आई नहीं थी, और इतने इंडियंस अमीर थे नहीं कि वो मैनुस्क्रिप्ट से पढ़ें। यहाँ पे आपको हैंड रिटन पेजेस दिख रहे हैं ऋग्वेदा के, ये भी मैनुस्क्रिप्ट्स भी हैं। ऋग्वेदा भी हमको आए सामने मैनुस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में अवेलेबल है, अब अलग बात है कि बहुत सारे प्रिंटेड वर्जन बना दिए हैं। इस चैप्टर को अगली वीडियो में ख़त्म कर देंगे।